अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे व्हाट इज IAM। IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी असेस मैनेजमेंट। IAM अलोस कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है यूजर्स को एंड देयर लेवल ऑफ असेस टू द Amazon वेब सर्विसेज कंसोल को। थर्ड है इसको जो है वो यूज करते हैं, सेट करते हैं यूजर्स के लिए परमिशंस एंड रोल्स के लिए। ये अलो कर रहा होता है जिसमें ग्रांट असेस आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Amazon वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर। Amazon वेब सर्विसेज जो है वो आइडेंटिटी कर रहा होता है असेस मैनेजमेंट। ये जो है वेब सर्विसेज है जो अलो इनेबल कर रहा होता है Amazon वेब सर्विसेज AWS कस्टमर्स को, मैनेज कर रहा होता है यूजर्स को और यूजर परमिशंस इन AWS पे रिप्रेजेंट किया गया। विद IAM ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रली मैनेज कर रहा होता है यूजर्स को। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं सच एज असेस कीज हैं, परमिशंस हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं AWS रिसोर्सेज users can assess। Without IAM organization से आप मल्टीपल यूजर्स के साथ जिसमें क्रिएट कर रहा होता है मल्टीपल यूजर्स अकाउंट्स, जिसमें जो है वो ऑन इट्स ऑन बिलिंग कर रहे होते हैं सब्सक्रिप्शन हैं AWS प्रोडक्ट्स की, शेयर कर रहे होते हैं अकाउंट विद अ सिंगल सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। विदाउट IAM जिसमें जो है वो नॉट कंट्रोल कर रहे होते हैं अबाउट द टास्क यूजर्स कैन डू। IAM जो है वो इनेबल कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट कर रहा होता है मल्टीपल यूजर्स को और ईच विद इट्स ऑन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कंट्रोल कर रहा होता है, बिल्ड कर रहा होता है सिंगल AWS अकाउंट। IAM जो है बेसिकली अलो कर रहा होता है यूजर्स को जिसमें जो है वो नीडेड होती है एज अ पार्ट ऑफ द यूजर जॉब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। हम जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फीचर्स। यहाँ पे फर्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ योर AWS अकाउंट। इसमें हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएट क्रिएशन कर सकते हैं, रोटेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ईच यूजर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। इसमें कंट्रोल कर सकते हैं डाटा को AWS सिस्टम यूजर्स, असेस कर सकते हैं हाउ दे कैन असेस। सेकंड है शेयर्ड असेस टू योर AWS अकाउंट। यूजर जो है वो हम शेयर कर सकते हैं रिसोर्सिस फॉर द कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के। थर्ड आता है ग्रैनुलर परमिशंस, इसको यूज करते हैं सेट करते हैं परमिशंस के लिए यूजर्स को और यूज कर रहे होते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज बट नॉट अदर सर्विसेज। फोर्थ आता है आइडेंटिटी फेडरेशन। आइडेंटिटी फेडरेशन जो है इसका मतलब ये जब हम यूज कर रहे हैं फेसबुक एक्टिव डायरेक्टरी पुट किया गया लिंक्डइन एंड सो ऑन विद IAM, यूजर जो है वो लॉग इन कर सकते हैं AWS कंसोल विद द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ, जिसमें हम लॉग इन कर सकते हैं विद द एक्टिव डायरेक्टरी फेसबुक एंड सो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। AWS जो है प्रोवाइड कर रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें जो है वो जरूरत होती है एंटर कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड, चेक कर रहे हैं सिक्योरिटी अकॉर्ड टू लॉग इन टू दी AWS मैनेजमेंट कंसोल। परमिशंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स। यूजर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं जिसमें AWS जो है वो असेस कर रहा है बेस्ड ऑन देयर जॉब ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल एडमिन डिवेलपर एंड सो ऑन। नेटवर्किंग कंट्रोल्स। IAM जो है वो इंश्योर कर रहा है जिसमें यूजर जो है वो असेस कर रहा होता है AWS रिसोर्सिस विद द ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट नेटवर्क के साथ नेटवर्क में। प्रोवाइड टेम्परेरी असेस फॉर यूजर्स डिवाइसेस एंड सर्विसेज वेयर नेसेसरी। अगर हम जो है वो यूज कर रहे हैं मोबाइल ऐप, स्टोर कर रहे हैं डाटा इन द AWS अकाउंट में, तो हम जो है वो यहाँ पे टेम्परेरी असेस कर रहे हैं। इंटीग्रेट्स विद मैनी डिफरेंट AWS सर्विसेज। IAM जो है वो इंटीग्रेट कर रहा होता है विद मैनी डिफरेंट AWS सर्विसेज के साथ और सपोर्ट्स PCI DSS कंप्लायंस, PCI DSS जो है वो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये जो है वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, इसमें जो है पुट किया गया, इसमें जो है इंक्लूड है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आती है जिसको आप कंप्लायंस कर रहे होते हैं विद द फ्रेमवर्क के साथ। Eventually consistence, IAM service जो है वो eventually consist कर रहा होता है, achieve कर रहा होता है high availability by replicating data across multiple services के लिए within the Amazon data center around the world में। Free to use, AWS IAM जो है वो feature है AWS account का जो offered कर रहा होता है no additional charge, और इसमें जो है वो आप charge कर सकते हैं only जब हम assess कर रहे होते हैं other AWS services by user by using IAM user के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।